हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रांशु सोल और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। हल्के ऑसम लुक्स और एक्शंस को तो हम बखूबी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हल्क का एक फीमेल वर्जन भी है जो उससे भी ज़्यादा ऑसम है। वैसे तो हर एक मार्वल और डीसी कैरेक्टर के एक फीमेल वर्जन होते ही हैं, लेकिन इस वीडियो में खास तौर से शी हल्क के बारे में आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। ओरिजिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शी हल्क का ओरिजिनल नाम जेनिफा वॉल्टर्स है। जैसे कि ये एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है, इसके कई सारे ओरिजिन स्टोरीज हैं, लेकिन आपको इजी वे में समझाने के लिए मैं आपको इसका सबसे बेसिक वर्जन बताऊँगा, जो आने वाली कल पे अगर इस पर मूवीज बनेंगी तो इसी बेसिक वर्जन पर बनेंगी। शी हल्क को सबसे पहले 1979 में द सेवेज शी हल्क से नाम से जाना गया था। इसको द स्टैन ली और जॉन बसोचे ने बनाया था। जेनिफा वॉल्टर्स एक इंटेलिजेंट और शाय क्रिमिनल लॉयर है। एक दिन किसी रोज़ उसका चचेरा भाई उससे मिलने आता है, यानी कि उसका कज़िन, और उसका कज़िन और कोई नहीं द ओरिजिनल इनक्रेडिबल हल्क है। जेनिफर वॉल्टर्स ये देख के शॉक में आ जाती है कि उसका कज़िन इतने सालों बाद क्यों मिलने आया है। जेनिफर ये सुन के हैरान हो जाती है कि उसका भाई ही द ओरिजिनल इनक्रेडिबल हल्क है। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रूस बैनर एक जगह से दूसरी जगह अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए भागता रहता है, तो इस बार ब्रूस बैनर जेनिफर के पास आता है और अपनी पूरी हिस्ट्री उसको एक्सप्लेन करता है। जेनिफर को पूरी बात प्रॉपरली सुनने के लिए जेनिफर उसे अपने घर बुलाती है। घर जाते समय जेनिफर के पीछे दो क्रिमिनल्स लग जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जेनिफर एक क्रिमिनल लॉयर है, इसलिए उसी के किसी क्लाइंट ने उसके पीछे वो दोनों क्रिमिनल्स लगाए हैं, और वो दोनों क्रिमिनल्स उसके फादर के किलर्स भी हैं। जैसे जेनिफर और ब्रूस घर पहुंचते हैं, उन दोनों क्रिमिनल्स को मौका मिलते ही वे जेनिफर को गोली मार देते हैं और जेनिफर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। और ब्रूस बहुत ही बचकानी तरीके से क्रिमिनल्स पर पानी फेंकता है और मौका देखते ही जेनिफर को सेफली घर में ले जाता है, और क्रिमिनल्स वहाँ पे खतरा देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं। जेनिफर को घर में ब्रूस ले जाते ही मेडिकल टीम को कॉल करता है, लेकिन कुछ देर बाद ब्रूस समझ जाता है कि मेडिकल टीम को यहाँ आते आते बहुत देर हो जाएगी। तो ब्रूस किसी तरह मैनेज करके जेनिफर को पास के पब्लिक डॉक्टर के पास जाके अपॉइंट कर देता है। जेनिफर को गोली लगने के बाद उसका बहुत सारा ब्लड निकल गया रहता है, और वहाँ पर और कोई डोनर ना होने के नाते ब्रूस बैनर अपना ब्लड जेनिफर को दे देता है, और इस उम्मीद में सोचते हुए कि जेनिफर जल्दी ही रिकवर कर पाएगी। जेनिफर को पूरी तरीके से रिकवर करने के बाद ब्रूस वहाँ से तुरंत चला जाता है, इस सोच में कि अब उसके बॉडी में उसी का गामा रेडिएटेड ब्लड है और अब उसको कुछ नहीं हो सकता है। ब्रूस के जाने के बाद फिर से वही दोनों क्रिमिनल्स डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहन के जेनिफर को वापस मारने के लिए आते हैं। फिर जैसे ही क्रिमिनल्स जेनिफर को मारने की कोशिश करते हैं, उसका डर और एंगर उसके अंदर की शी हल्क को बाहर निकाल देता है। फाइट ख़त्म होने के बाद जेनिफर अपने पुराने फॉर्म में आ जाती है और वापस जाके अपने हॉस्पिटल के रूम में लेट जाती है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और ये सोचती समझती रहती है कि ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। फिर बाद में उसे ये होश आता है कि उसके भाई बाद में उसका होश आता है कि उसके कज़न ने उसे अपना ब्लड डोनेट किया था जो कि गामा रेडिएटेड था, और अब वो ब्लड उसी के अंदर है। और यह सुनती है वो परेशान हो जाती है, और अंदर ही अंदर एक तरीके की उसे खुशी भी मिलती है। परेशान इस कारण से होती है कि अब उसका कैरियर कैसे संभलेगा और अब अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल रखेगी। डिफरेंट कॉमिक के वर्जन्स डिफरेंट तरीके से शी हल्क की ओरिजिन स्टोरीज को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मैंने आपको सबसे बेसिक वर्जन बताया है कि अगर कल को इस पर मूवीज बनेंगी भी तो सबसे बेसिक वर्जन पे बनेंगी, तो इस तरीके से आपको उसकी स्टोरी समझने में आसानी होगी। वैसे तो हर एक मार्वल और डीसी कैरेक्टर्स में लगभग सभी के एक फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आयरन वुमेन, कैप्टन अमेरिका, फीमेल हॉकाई, सुपर वुमेन एक्सेट्रा। शी हल्क की काफ़ी सारी कॉमिक्स में उसके पर्सनल और रोमांटिक लाइफ के बारे में भी दिखाया गया है, और कई बार ऐसा हुआ है कि शी हल्क अपने वापस जेनिफर बॉडी में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाती है, इसीलिए वो अपने डेली लाइफ के कोर्सेस शी हल्क की बॉडी में ही कैरी ऑन करती है। और दैट्स ऑल, और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और भी ओरिजिन स्टोरीज, हिस्ट्री ब्रेकडाउन और फैक्ट्स के लिए अब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पीजी एक्सप्लेन्ड।